सुशासन के राज में अपराधी हुए बेखौफ, कटिहार पुलिस से कटिहार की जनता लगा रही है न्याय की गुहार। दरअसल हमारी मौजूदगी कटिहार के लेल्हा चौक यानी हाजी कलीमुद्दीन चौक कहे जाने वाली बस्ती में है और हमारे पीछे का यह तस्वीर आप देख सकते हैं जो भारी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि कटिहार के गोविंदपुर जो कि रौतारा थाना क्षेत्र में पड़ता है, गोविंदपुर चौक पे हजरत अली नाम के व्यक्ति के एक घटना में जो है पड़े मिलते हैं सड़क पर, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को सूचना मिलती है। स्थानीय लोगों उसे उठा करके जब अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि उन्हें गोली मारी गई है, लगभग तकरीबन 5 गोली मारी गई है, जो उसे हायर रेफर कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब जो है उनके परिजन का जो हाल होता है, रोड़ों का बेहाल होता है, अब वो कटिहार पुलिस से न्याय चाहती हैं, कटिहार पुलिस से ये मांग करती हैं कि जो अपराधी जो है मुख्य अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में कटिहार की जनता उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। देखिए कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट। एक तारीख से घटना हुआ, पुलिस प्रशासन को एक तारीख से कितना बार बोले, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। 5 तारीख से आज, 1 तारीख से आज हो गया 7 तारीख, और हुआ क्या? उसको गोली से हत्या किया चुनमुन का पार्टी। हमारा पति का जो है ना इलाज चल रहा था, इलाज में अल्लाह उसको उतना ही शक्ति दिया कि वो बता दिया कि चुनमुन का पार्टी उसके रूम में ले जाकर हमको मारा है। हम बोले विवाद था वहाँ क्या था, उसका मकसद यही था कि कोई भी हो, लेकिन उसका हम जो बोल रहे हैं हम वहाँ का बदला वसूल कर लेंगे, कोई भी हो हम उसको नहीं जानते हैं। हमारा पति के साथ मामला ये हुआ, हमारा पति जो है दुकान बंद करके किसी ने ले जाके दिया, चुनमुन ने पार्टी बनाया और उसको लेके बुलाया कि कोई भी हमको उठा के लेके दो, और उठा के लेके गया। चुनमुन ने अपना रूम में उसको भर के मारा, डंडा से मारा, हाथ पर तोड़ दिया, उसके बाद गोली कर दिया। हमारा पति मर गया। हम उस दिन से 1 तारीख से ही बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मेरा कोई काम नहीं किया, हमको कोई इंसाफ नहीं दिया। अल्लाह की कब हमें अभी आपकी पति की मौत हो चुकी है। अल्लाह मेरा पति का मौत हो गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने दो आदमी को गिरफ्तार किया, लेकिन जो असली कातिल है उसको तो नहीं गिरफ्तार किया ना। मेरा पति जो है चुनमुन को बोला कि चुनमुन का ही पार्टी है, मेरा पति मेरे साथ ही बोला। आपके पति बोले हैं आपको? हाँ बोला, उसको इतना ही हिम्मत दिया था अल्लाह सिर्फ उसको बोलने के लिए, वो बोल के गया है दुनिया से कि वो चुनमुन का ही पार्टी था। हाँ, मेरा 5 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, आप लोग देख लीजिए। मेरा कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैकेनिक 10 रुपया कमा के लाता और खाता है, मेरा कुछ नहीं है सहारा। तो अभी कैसे जीवन यापन होगा? अल्लाह आप लोग इंसाफ कीजिए, इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। इंसाफ अगर नहीं कीजिएगा तो मेरा पति आ रहा है, लाश को रोक देंगे, और असली कातिल को जब तक नहीं पकड़ेगा तब तक हम यहाँ लाश ला के मिट्टी नहीं करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मनवरा खातून। आपके पति का क्या नाम है? हजरत अली। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 5 बच्चा है। पुलिस से क्या उम्मीद है कटिहार? क्या मांग करते हैं? इंसाफ ही चाहिए हमको, इंसाफ दिलाइए। फांसी सजा हो चाहिए। हाँ रे यार, सीधा साधा पाते का वो लेजर करे कर वो मार ले वो की चिंता हुआ है। मामला यही हुआ जो पंचगा 1 तारीख को हम यहाँ आए थे घूमने के लिए अम्मी के यहाँ, तो हमसे भेंट हुआ, हमसे बातचीत सब चीज़ हुआ शाम को 5 बजे। तो हम यहाँ से फिर हम अपना घर चले गए। घर जाने के बाद यहाँ से हमको खबर गया 11 बजे रात के, कौन ची कहता है हजरत को गोली मार दिया है, हजरत को गोली मार दिया। तो हम बोले कौन मारा गोली, तो इतना पता नहीं चला था, इतना पता नहीं चला था जो कौन गोली मारा नहीं मारा है। उसके बाद हम रो रहा के रह गए। सुबह में फिर हम पता लगाए तो हमको पता लगा है जो चुनमुन लोग मतलब ही मारा है। आप लोगों सब लोगों को पता चला ही? सबको ही पता चला जो चुनमुन लोग ही मारा है। अच्छा। वही लोग थेबे किया है। और उसके बाद से मार उड़ के यहाँ से फोन, वहाँ से फोन भी आया जो आप लोग का आदमी को मार के फेंका हुआ है, मतलब जो गोविंदपुर चौक पर, यहाँ से आदमी जाकर उठा पुठा के लाया, उसके बाद भर्ती किया है उसको। कहाँ कहाँ लेके गया, भर्ती नहीं लिया तो फिर कसुआ लेके गया। कसुआ में ले जाके 2 दिन के बाद उसको होश होश आया। होश आने के बाद उसको कौन ची कहता है अगर होश आया तो सारा बात बता के भी गया है अपना बीबी को, हम तो नहीं थे वहाँ, सब बात उसको बता के गया। चुनमुन लोग ही मारा हमको। अभी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई? इलाज के दौरान ही मौत हुआ है। उसका गोली उली भी मारा गया है, 5 गोली मारा है,
तीन पैर में मारा, दो हाथ में मारा। उसके बाद क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप क्या चाह रहे हैं? अब उसको इंसाफ होना चाहिए। पांच पांच गो जो बच्चा है उसका साथ में इंसाफ होना चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। हम उसका बहन है। क्या नाम है? सालिहा खातून। मिर्ता का क्या नाम है? हाँ, मिर्ता का भाई का नाम? मेरा नाम का, मेरा भाई का नाम हजरत। रोतारा? हाँ, रोतारा में जो घटना हुई थी जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे, तो उनका इलाज हुआ था, पूर्णिया गए थे, फिर पूर्णिया के बाद वो फिर उनको रेफ़र किया गया था हायर सेंटर। तो उसमें भी जो है हम लोगों ने अभी तक जो है कुल तीन लोगों का जो है उसमें गिरफ्तारी हुई। सर, मौत हो गई, गोली वगैरह चली थी क्या? उसमें जो डॉक्टर का जो कहना है कि जो एंकल के ऊपर जो होता है और रिस्ट के ऊपर जो है वो गोली है। थैंक यू।